Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक पासवान, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। आज की टॉपिक जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा संग्रह, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखते भी होंगे, चाहे वह टीएससी लेवल का हो, चाहे वह बीएससी लेवल में भी आपको आएगा, यूट्यूब में जो भी, यानी मैक्सिमम कहा जाए तो हर जगह जो है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि संग्रह कैसे फाइंड करें। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने इसलिए पहले कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं कि इसमें आपको संग्रह बताना है। तो आप कितने लोग जो कि संग्रह को पुरानी विधि से लगाते हैं, जैसे उसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसको निकालेंगे, अगर उनको वहाँ तक नहीं पता है तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको यह सब याद भी नहीं करना है कि कहाँ से कैसे होगा, लेकिन मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊँगा। लगभग सभी लोग बता ही चुके होंगे, लेकिन अब क्या भरोसा किसी का समझ में आ जाए, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। संग्रह टॉपिक है मेरी, तो संग्रह किसे कहते हैं, संग्रह किसे कहते हैं, सबसे पहले वो बताना होगा। तो संग्रह की डिफिनेशन देखो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले यहाँ पे क्या लिखा देख लीजिएगा। आपको कोई बता कि केमिस्ट्री में ऑर्बिटल्स चार प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ सभी लोग जानते हैं, उसका शेप होता है, तो शेप हम बताएंगे, शेप सबको पता होगा। देखिए, एस ऑर्बिटल अगर ले लें, एक और एस ऑर्बिटल ले लें, कहा जाए तो दो एस ऑर्बिटल ले लें, यानी सेम सेम ऑर्बिटल है, तो उनके बीच कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, उनके बीच कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। चाहे वह पीपी हो यानी सेम होगा, तब भी नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई संक्रमण नहीं होगा। चाहे डीबी हो तब भी कोई संक्रमण नहीं होगा, चाहे एफएफ हो तब भी कोई संक्रमण नहीं होगा। इसका मतलब अगर समान ऑर्बिटल्स अगर आपके आ रहे हैं तो संक्रमण कभी पॉसिबल नहीं है, समझ आपको, जब भी कभी समान आएगा तो उसमें संक्रमण पॉसिबल नहीं है। तो संक्रमण क्या होता है, जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एक एस ऑर्बिटल है, एक पी है तो एस पी बन जाएगा, एक एस है दो पी है तो एस पी टू हो जाएगा, एक एस है तीन पी है तो एस पी थ्री हो जाएगा, एक एस है तीन पी है एक बी है तो एस पी थ्री संक्रमण हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कहा जाए तो अलग अलग अगर ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो वहां पर संक्रमण आपका पॉसिबल है, अदरवाइज सेम सेम आएगा तो वहां पर संक्रमण पॉसिबल नहीं है। जैसे कहने का मतलब अगर मैं आपको एक बात बोल दूं, जैसे सब कुछ याद करने के लिए क्या कैसे याद रहेगा, अगर आपको माइंड में याद करिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लड़का है और यहाँ भी कोई एक लड़का है, तो उनके बीच क्रॉस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, तो कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। मान लो यहाँ पर कोई एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़की आप देखते भी होंगे नॉर्मल अपने दैनिक जीवन में, तो इसमें छोटा सा बेबी कभी भी जब उत्पन्न होगा तो सपोज इट, मान लेते हैं कि इसके दो हाथ हैं, इसके दो पैर हैं, इनके भी दो हाथ, इनके भी दो पैर हैं, सपोज इट मानते हैं कि इनके भी दो हाथ होंगे और दो पैर होंगे, तो ऑर्बिटल्स में ही संक्रमण में क्या कहा जाता है कि जब देखो सेम ऑर्बिटल्स होगा तो नो रिएक्शन, क्या मैंने लिखा है, नो रिएक्शन, कोई संक्रमण नहीं होगा। लेकिन अगर डिफरेंट होगा, जैसे एक गर्ल्स में बना दिया, देखो यहाँ पे सिंपल थोड़ा समझ जाएगा, ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज हो गई, उसमें क्या था, दोनों बॉयज थे, दोनों लड़के थे, इसमें क्या लड़का एक लड़की है, छोटा सा बेबी होगा तो क्रॉस होने के बाद, तो इसका मतलब क्या कि डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, यहां पर सेम था तो नो रिएक्शन, नो हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन अगर डिफरेंट रहेगा तो हो जाएगा। तो परिभाषा क्या हो जाती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिभाषा में इसको ध्यान दीजिएगा, जब तो विभिन्न ऑर्बिटल, यानी यह मान लो एस ऑर्बिटल हो गया या पी ऑर्बिटल हो गया, या एस था तो नो रिएक्शन, यहां अलग अलग लेते हैं एस और एक पी, मैं दिखाया हूं यहां पर ये डिफरेंट होने चाहिए, एक मान लो एस ऑर्बिटल है दूसरा क्या है पी है, तो दो विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिलकर, जब दो विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिलकर उतनी ही समान ऊर्जा के, उतनी ही समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल का, है नया है नहीं वाला, नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करता है तो उसे संक्रमण कहते हैं। क्या मैंने बोला, जब दो विभिन्न ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर उतनी ही समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करता है तो उसे संक्रमण कहते हैं, उस प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं, कह सकते हैं आप लोग। तो जैसे सबको देखो, देखिए यहां पे मैं एक एस ऑर्बिटल ले लिया और एक पी ऑर्बिटल्स ले लिया, अब इसको मिला देंगे तो देखो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एस पी बनेगा कि नहीं, तो समान ऊर्जा हुआ कि नहीं, एस और पी दोनों समान था तो समान ऊर्जा हो गई, ठीक, ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक बार उसको भी बता देते हैं आप लोगों को, एस प्लस पी गिव्स आउट एस पी, when two different orbitals, when two different orbitals are mixed together, when two different orbitals are mixed together and to give
सेम न्यू एनर्जेटिक ऑर्बिटल एंड गेट टू सेम न्यू एनर्जेटिक ऑर्बिटल देन दिस प्रोसेस कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। यानी जब दो विभिन्न ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे उतनी ही समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे तो उस प्रक्रिया को संकर कहेंगे। तो डिफिनेशन तो आप लोग रोक कर भी ले सकते हैं अपने नोटबुक पे। तो हमको बताना है कि एक संकर कैसे फाइन करेंगे। आपको समझ में आया कि सेम सेम ऑर्बिटल्स होगा तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। यानी आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या यस और एक यस में हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकर होगा, बोलेंगे नहीं क्योंकि सेम ऑर्बिटल्स है। अगर डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें पॉसिबल है। तो ये तो हो गया। तो हमें इसको क्लियर, आप इसके साथ ले सकते हैं। अब इसको इरेज कर रहे हैं, आपको बताएंगे कैसे ज्ञात करना है। हम इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। जैसे देखिएगा सभी लोग, अगर आपसे बोल दिया कोई कि इतना मैं कंपाउंड दिया हूं, देख लीजिए सभी लोग, इसमें आपसे कोई पूछ दिया कि इनका क्या हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, इनका क्या आएगा, किसी का भी इसमें जो दिया है कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबको लगभग फार्मूला पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है ज्ञात करने का, फार्मूला हाफ भी प्लस एम माइनस सी। क्या होता है फार्मूला, हाफ भी प्लस एम माइनस सी। तो अब देखिएगा क्या लिखेंगे, हाफ सॉरी पहले बता दें होता क्या है, वी एम सी क्या होता है। चलिए लिख देते हैं वेयर, वेयर मतलब होता है जहां, जहां क्या है, वी क्या है, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। एम क्या है, नंबर ऑफ मोनो एटम। देखिए मैंने लिखा क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोनो एटम। अब मोनो एटम में कौन कौन आएगा, आपको मैं डायरेक्टली ही लिख दे रहा हूं, एच एफ सी एल बी आर आई। हाइड्रोजन हो गया, फिर कल बाहर आई एक फॉर्मूला होता है एटी, जो एनएमए पढ़ा जाता है एटी तो एंटी होता है। तो आप लोग फिर कल बाहर आई हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, फिर कल बाहर आई आई, ये क्या होता है मोनो एटम होते हैं। अब देखिए कि सी क्या है, सी क्या है, नंबर ऑफ केट आयन एंड, केट आयन मतलब होता है प्लस, एंड नंबर ऑफ एम आयन उसका मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ये हो गया। तो अब इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, अभी मैं बता दूंगा। देखो वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, इसमें कैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां पर किसी को पहला ही ले लेता हूं। चलिए मैं ले लिया BeCl2, क्या ले लिया BeCl2। अब इसमें आपसे कोई पूछेगा कि V क्या है, M क्या है, C क्या है, ध्यान दीजिएगा, V का मतलब जो अकेला हो, क्या V का मतलब ये होता है जो अकेला हो। अकेला कौन होता है, जैसे देखिए इसमें क्या है, V है, सॉरी B है। जैसे देखिए मैंने लिखा BeCl2 वेरिएबल राइट, अगर आपको इसमें पूछ दिया कि संकरण क्या है तो देखो यह क्या V फॉर्मूला 1/2 है, फॉर्मूले में V क्या है, भी का मतलब जो अकेला हो उसके आउटर ऑफ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसके जो अकेला होगा। तो यहां पर अकेला कौन है, बी अकेला है, सीएल अकेला है। तो बी अकेला, देखिए बी एक है, सीएल कितना है, दो। कभी कभी भूल जाते हो तो भी क्या होता है, तो अगर वैसे भूल जाते तो मान लो सबको देखा, आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग अपने समाज में क्या होती है, जब शादी होती है तो दूल्हा जो होता है स्टेज पर बैठता है और एक मार्गदर्शक काम करता है, यानी मार्गदर्शन मतलब ऐसा थोड़ी देखो उसको सीख मिलेगी, ऐसा कि मतलब वो बीच में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, वो अट्रैक्टिव होता है उस दिन, तो हम लोग क्या करते हैं उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, सभी लोग देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हम चारों तरफ खड़े हो गए तो हम एम का काम करेंगे, नंबर ऑफ मोनो एटम, कितने लोग उसको देख रहे हैं, वह एम का काम करेंगे। वह जो दूल्हा और जो दुल्हन होगी वह आपका भी का काम करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो अकेला रहो बीच में और जो अराउंड में रहेंगे चारों तरफ रहेंगे वह एम का काम करेंगे। अब कहने का मतलब सी क्या है, सी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि उसके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग और भी उनके चारों तरफ घूमते होंगे, देखते होंगे, जब रथ आती है तो वो बेचारे अपने सर पे क्या करते हैं, अपने सर पे बेचारे बोझा रखे हुए रहते हैं, देखते होंगे अब लाइट को, तो यानी उसके ऊपर चार्ज क्या है, उसके ऊपर चार्ज क्या है वह बताता है सी। अब समझ में आया, जो बीच में है दूल्हा दुल्हन बीच में है तो भी का काम करेंगे, उसके अराउंड जो हम लोग चारों तरफ घूम के देख रहे हैं एम का काम करेंगे, और उसके बाद अब कहने को तो
उसके जो अराउंड होते हैं, जो रथ के चारों तरफ लोग लाइट खड़े होते हैं, वो चार्ज भी रहते हैं। चार्ज मतलब हमेशा ऊपर रहेगा, प्लस है कि माइनस है वो दिखाता है। तो याद करने का मतलब भूलिएगा मत, तब ऐसे याद रहेगा कि बीच में सर ने बोला था कि वी है, अराउंड में एम है और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, कुछ लोग लिए रहते हैं। तो अब जो अकेला रहता है उसमें लिखा था आपने बैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, जो बीच में रहेगा उसकी संयोजकता बैलेंसी। तो बैलेंसी अगर आपको नहीं भी आती है तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, के एल एम एन बोरबरी का नियम होता है, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 और एन में 32। के एल एम एन 2 8 8 32 ये हो गया। तो लेकिन आपको तो एटॉमिक नंबर पता ही होना चाहिए अगर आप यहां तक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का। तो इसमें क्या होगा, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है 4 होता है। अब आपको ये भी नहीं पता कि इसमें कैसे फिल अप किया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूं। ऐसे मान लीजिए अगर नहीं भी पता है तब कैसे याद करोगे, कितने लोग भर नहीं पाते कि कैसे फिल अप किया जाएगा। अगर नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए छोटा सा एक बेबी है, यह भी कोई छोटा सा बेबी है, सबको मैं छोटा सा फिगर की तरह बना रहा हूँ, देखिए थोड़ा समझने के लिए। अब आपको देखो मैंने क्रम से बनाया है, इसका मतलब कि जो छोटा बेबी है उसकी कैपेसिटी मान लो सपोज दैट 2 पूड़ी खाने की, यानी करने में 2 रोटी खाने की है, तो ये सिर्फ 2 ही खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। हाँ जब इसका पेट भर जाएगा, 2 भर जाएगा, तो उसके बाद ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। तो इसकी क्षमता कितनी है, 8 है, और उसके सामने वाले कितना है, 18 है, और उसके सामने वाले कितनी है, 32 है। तो हम लोग क्या करते हैं उसी आधार पर, इसका पास क्या क्या, इसके पास मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें पहले वाले में कितना होगा मैक्सिमम, इसमें सिर्फ 2 ही नहीं होगा, इसमें 2 ही होगा, बचा कितना आपके पास, आपके पास बचा कितना, 2। तो 2 कहां चला जाएगा, फिर यहां चला जाएगा, जोड़ भी लेंगे 2 तो 4 भी हो गया। इसका मतलब जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाता, समाप्त कहां पर, यहां पे नहीं, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गया वही आपकी वैलेंसी कहलाती है, या तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कहलाती है या तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो कितना हो गया, 2। इसका मतलब भी फार्मूला देखिए क्या लगा जाएगा, फार्मूला लग जाएगा हाइब्रिडाइजेशन वाला फार्मूला, क्या लग जाएगा, हाफ वी का मतलब जो अकेला हुआ, अकेला बेरिलियम था, उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो हमने कर दिया 2। फिर प्लस, प्लस करने के बाद क्या करेंगे कि क्लोरीन जो है आपका, देखिए क्लोरीन कितना है, हमने यहां लिखा था, देखिए m नंबर ऑफ मोनो एटम, यहां लिख भी दे रहा हूं, HFCl(Br)I, बस यही होना चाहिए, और OH भी ले रहे थे लेकिन वो आएगा ही नहीं फिलहाल, OH अलग वो नहीं आएगा, सब कुछ मान लो वैसे आते नहीं है तो अलग हो जाएगा, इतना ही मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, तो वो क्या नंबर ऑफ मोनो एटम, अभी हमने बोला कि बीच में क्या होगा, दूल्हा होगा, उसके चारों तरफ मोनो एटम होंगे, कितने लोग, अब जैसे मान लो ये दूल्हा दुल्हन हमको फिक्स है, भैया 2 ही लोग रहेंगे, तो फिक्स है 2 ही लोग रहेंगे, लेकिन ये तो फिक्स नहीं है कितने रहेंगे, ना इसमें बहुत लोग हो सकते हैं, यानी जो अकेला हो तो उसको तो हम बता देंगे अकेला है तो भी है, लेकिन उसके अराउंड में तो कह सकते हैं कि 2 है 3 है कितना, उसको बताएंगे ना, तो यहाँ पर कितना, देखिए इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोनो एटम, ये कौन है, सीएल है ना, देखिए यहाँ पीछे का ये सीएल है, इसमें भी होना चाहिए, तो सीएल है तो कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 कर देंगे, समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला लिखा है माइनस सी, देखिए लिखा माइनस सी, तो क्या लिखेंगे, सी का मतलब क्या हो जाएगा कि उसके ऊपर ना तो माइनस ना तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, 0। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, हाफ 2+2 कितना आ जाएगा, 4, इधर तो जाएगा 0, क्या जाएगा, 4/2 कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, 2। अगर आपकी नंबर 2 आ गई तो यहां पर चेक कर लेंगे कितना 2, 2 का मतलब क्या जाएगा, नंबर ऑफ 2 इस नंबर 2 सिग्मा, 2 सिग्मा तो क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, समझ आया, कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट हम दूसरा करके देखते हैं, अगला कर देते हैं BCl3, फार्मूला क्या होगा, वही होगा हाइब्रिडाइजेशन बराबर हाफ V+M-C, तो हो जाएगा हाफ V का मतलब जो अकेला हुआ, अकेला आपको देख रहे हैं B है, तो B का मतलब क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान 5 होता है, तो आपको मैं यहाँ 5 कर दे रहा हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे फिल अप किया जाएगा, अभी मैं बोला इसमें 2 रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं, तो 2 ही करेंगे, बचा कितना 3, यहाँ 3 कर देंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएगा, देखो 2 3 कितना हो गया, 5 2 3 5 हो गया, आउटर से भी कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 3, यहाँ कर देंगे 3। फिर प्लस, अब देखिए फॉर्मूले में प्लस प्लस एम, एम मतलब जो कि मोनो एटम, कौन कौन था, HFCl(Br)I, तो देखो क्या है, Cl है तो कितना है, 3 है, नंबर बता रहे हैं कितना, 3। फिर माइनस, देखो इसी है, सी का मतलब मैंने लिखा नंबर ऑफ के टाइम प्लस, देखिए नंबर ऑफ एटम माइनस, नहीं दिया है तो 0, कुछ भी नहीं दिया उसके ऊपर तो 0। अब इसको देखिए सॉल्व कर दीजिएगा,
थ्री प्लस थ्री हो जाएगा सिक्स, तो सिक्स बाई टू कैंसिल आउट करेंगे तो जाएगा थ्री। जब थ्री आ गया तो थ्री सिग्मा क्या कहलाएगा, एस पी टू, देख लीजिएगा एस पी टू। इसका मतलब बीसीएल थ्री में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एस पी टू। फिर आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट दिया है सीसीएल फोर। अगर सीसीएल फोर पूछा तो वही फॉर्मूला हाफ बी प्लस एम माइनस सी, तो हाफ अकेला कौन है आप लोग जान ही रहे हैं सी है, सी मतलब हो गया सिक्स, उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, परमाणु नंबर कितना हो जाएगा छह, तो टू और कितना आ जाएगा फोर, टू फोर मतलब हो जाएगा सिक्स, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फोर, तो यहाँ लिख दिया जाएगा फोर प्लस मोनो एटम। अब देखिए चेक करिए अगर सीएल है यहाँ है तो कितना है फोर है तो फोर, फिर माइनस उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो, इसको सॉल्व कर दीजिएगा फोर प्लस फोर हो जाएगा एट, तो एट बाई टू कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा फोर। जब फोर आ गया तो हम डाल दीजिएगा फोर सिग्मा क्या कहलाएगा एस पी थ्री। अब हम कोई एक दूसरा चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत है, आप लोग लगा के चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में एसएमएस कर दीजिएगा हम आपको कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है क्या एन एच थ्री में कर दे रहा हूँ, उसी में जस्ट सामने मैंने लिखा था एन एच फोर प्लस, वो क्या है एन एच फोर प्लस है एन एच थ्री, तो दोनों को मैं कर दे रहा हूँ एक साथ, में यहाँ लिख दे रहा हूँ एन एच थ्री और यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ एन एच फोर प्लस। देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला दोनों में ही लगेगा, हाफ बी प्लस एम माइनस सी तो हो जाएगा हाफ बी का मतलब जो अकेला होगा नाइट्रोजन अकेला है, इसका मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन होता है सात, तो सात होता है तो पहले से हो जाएगा दो, दो से ज्यादा खा ही नहीं सकते भाई, फॉर्मूला बताओ कैसे करना है, तो बचा कितना आपके पास सात में से दो दिन बचा कितना फाइव में पांच या फाइव कर देंगे, इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में एन समाप्त हो गया हो जाएगा फाइव, तो फाइव हो गया तो यहाँ लिख दिया जाएगा फाइव प्लस एम। देखिए क्या है यहाँ पर यह चार्ज, अभी तक तो सीएल आ रहा था बार बार, अब यह चार्ज है लेकिन चेक करना होगा क्या मोनो एटम होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा ब्रैकेट में होता है तो आप कर देंगे कितना थ्री, फिर माइनस उसके ऊपर कोई चार्ज तो दिया नहीं है, जब चार्ज नहीं दिया होगा तो जीरो, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा फाइव प्लस थ्री हो जाएगा एट, तो एट बाई टू कैंसिल आउट करेंगे हो जाएगा फोर, जब फोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी लिखा गया था कहाँ गया फोर था तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए मैं एक बार आपको जो यहाँ पे थ्री सिग्मा तो मैं यहाँ पे बताया था एस पी थ्री सी सी एल फोर का, मैं यहाँ पर करके छोड़ दिया, वहाँ पे इसको लाना था मुझे फोर आया था तो इसको रिंग करना चाहिए, तो मैं वहीं से मैं उसको बता दिया, लेकिन आपको याद करना होगा कि फोर सिग्मा था तो एस पी थ्री हो जाएगा, वो मिस्टेक से मैं यहाँ पे रिंग कर दिया और इसको लिखा सही हूँ लेकिन यहाँ रिंग कर दिया था, यहाँ पर फोर सिग्मा आया था तो यहाँ पर आपको करना ये करना चाहिए था क्या एस पी थ्री, तो देखिए फोर आ गया फोर सिग्मा तो क्या कहलाएगा यानी एन एस थ्री आपको क्या कहलाएगा एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। फिर देखिए ना यहाँ पर क्या बचा है एन एच फोर प्लस लिखा है तो यहाँ हो जाएगा हाफ बी प्लस एम माइनस सी, सिंगल कौन है सिंगल कौन है एन है, यानी कि आउटर सेल में देखिए अभी मैं निकाला वहीं पर भी था उसका भी निकला था फाइव है प्लस मोनो आइटम एच अभी आया था होता भी ब्रैकेट में लिखा भी एच होता है कितना है देखिए फोर तो फोर, फिर देखिए चार्ज या माइनस तो फार्मूले में है तो यहाँ पर सी का मतलब होता है चार्ज, चार्ज दिया है कितना प्लस वन, तो यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देना प्लस वन ये चार्ज हो गया, इसी सॉल्व कर दीजिए हाफ फाइव प्लस फोर हो जाएगा नाइन, यहाँ देखिए माइनस वन को प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा हो जाएगा माइनस वन, तो देखिए क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा एट, उसके बाद क्या हो जाएगा एट बाई टू कैंसिल आउट करेंगे क्या हो जाएगा फोर, यानी एन एच थ्री था चाहे एन एच फोर प्लस था दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या था सेम था, इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा इसमें भी आपका क्या आ जाएगा एस पी थ्री आ जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव वाला समझ में आ गया। तो अब देखिए दोस्तों अब आपको आगे मैं बता रहा हूं जैसे जल में पूछा जाता बहुत इंपॉर्टेंट है, जल का हाइब्रिडाइजेशन जल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जल में देखिए क्या एक H2O का पूछ देगा हाइड्रोजन में इसमें क्या आ जाएगा H2O प्लस का सॉरी H3 रहता है H3O प्लस करके पूछ देता है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, देखिए मैं निकाल कर बता रहा हूं आपको फार्मूला क्या हो जाएगा वही लगेगा हाफ बी प्लस एम माइनस सी तो हाफ, अब इसमें कितने लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन है वैलेंसी एटम होगा और कौन नंबर ऑफ मोनो एटम होगा, तो मैं भी बोला आपको वही रूल होगा जो सिंगल होगा जो अकेला होगा वही हमेशा आपका क्या होगा वी होगा, तो सिंगल कौन है ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना परमाणु क्रमांक कितना होता है आठ होता है,
तो पहले क्वेश्चन देखिए के में क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, दो से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ऊपर में लिखा हूं बचा कितना, फिर दो कर बचा कितना सिक्स, यानी छह बचा तो छह कर देंगे, इसका मतलब भी का मान कितना हो जाएगा सिक्स प्लस। अब देखो यच है ना, यच का मतलब मोनोवैलेंस, यहाँ पे देखो मोनो एटम है कि नहीं, यहाँ से पूरा चेक कर लिया करो, यच है तो कितना है दो है तो दो, फिर उसके बाद माइनस उस पर कोई चार्ज है नहीं है तो जीरो, तो क्या हो जाएगा देखिए हाफ, देखिए देखो छह तो कितना हो जाएगा आठ, इसके बाद एट बाई टू कितना हो जाएगा कैंसिल आउट करेंगे तो आपको हो जाएगा फोर, जब फोर हो जाएगा फोर सिग्मा तो हमेशा क्या कहलाएगा एस पी थ्री, इसका मतलब आपका जो जल है मैं ही लिख रहा हूँ इसमें क्यों से संकरण आएगा sp3 hybridization। अब यहां पर देखिए तो क्या आ जाएगा, इसमें वो ये जो सिंगल है सिंगल o है तो फार्मूला वही लगा दीजिएगा हमेशा, हाफ v प्लस m माइनस c हो जाएगा हाफ v का मतलब जो सिंगल होगा, सिंगल कौन है ऑक्सीजन है, तो देखिए इसका आउटर से मैं भी निकाला था तो 6 प्लस h कितना है, देखिए मोनो एटम है चेक कर लिया कि है तो कितना है 3 है 3। अब उसमें के फार्मूले में लिखा माइनस और c का मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या है नंबर ऑफ केटायन, क्या उसके कोई प्लस है, हाँ है तो कितना है प्लस वन है तो वन। अब इसको सॉल्व करते हैं हाफ, अब देखिए सिक्स प्लस थ्री हो जाएगा नाइन, नाइन उसका माइनस मल्टीप्लाई अंदर करेंगे प्लस में तो हो जाएगा माइनस, तब देखिए कितना आ जाएगा हाफ हो जाएगा एट, तो एट बाई क्या हो जाएगा एट बाई टू कैंसिल आउट करेंगे हो जाएगा फोर, इसका मतलब इसमें भी क्या है sp3 hybridization है, चेक कर लीजिए 4 सिग्मा तो sp3, इसका मतलब अभी हमने देखिए आपको क्या बताया था, सभी लोग देखिए ध्यान से, देखिए सभी लोग ध्यान से क्या, इसमें मैंने आपको भी बताया था NH3 NH4 plus H2O H3O plus, ये देखिए सेम हाइब्रिडाइजेशन आएगा, आप लोग चेक भी करिएगा सब में क्या आएगा sp3 आएगा, तो इसका मतलब इंपोर्टेंस है कि सब में वही है। अब पता है इसमें डिफरेंस क्या होता है, पता है डिफरेंस में क्या होता है, इसका शेप डिफरेंट आएगा कि शेप क्या होता है, एंगल क्या होता है, तो अलग वीडियो बनेगा आपका उसमें मैं बता दूंगा, आपको आवश्यकता पड़ेगी तो पूछेगा तो हम बता देंगे। चलिए अब देखिए आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ किसका, आगे मैं लिखा हूँ CO2, जैसे मैंने दिया CO2 वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर इसमें पूछ दिया कोई आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हम लिखेंगे क्या, देखिए फॉर्मूला वही रहेगा हाफ वी प्लस एम माइनस सी हाफ वी प्लस एम माइनस सी, तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए हाफ वी का मतलब जो अकेला अकेला इसमें कार्बन आ गया, जब कार्बन आ गया तो कार्बन होता कितना सिक्स होता है, एटॉमिक नंबर तो हो जाएगा टू और फोर, आउटर में कितना आ जाएगा फोर, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी तो हो जाएगा फोर, फिर प्लस अब देखिए मोनो एटम ओ आ गया, यहां लिखा एन का मतलब मोनो नंबर ऑफ मोनो एटम, अब देखिए क्या है एम यहां पर ओ है, इसमें वो है क्या नहीं है, जब नहीं है तो हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, फिर माइनस इसके ऊपर चार्ज है नहीं है तो जीरो, इसका मतलब मोनो एटम नंबर ऑफ मोनो एटम भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ यही होना चाहिए उसके अतिरिक्त तो कोई भी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो भी जीरो ए भी जीरो, तो बचा कितना आपके पास, तो इसका मतलब हाफ फोर बचा के बनना है तो फोर बाई टू आ जाएगा कितना टू, जब टू आ जाएगा तो टू सिग्मा क्या कहलाएगा एस पी, इसका मतलब CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो एस पी, कौन सा है एस पी, टू आएगा तो एस पी। चलिए नेक्स्ट आगे जो बचा है देखिए मैं जिसको अंडरलाइन किया हूं उसके बाद आप सब लगा दीजिएगा लग जाएगा, एक है NO3 माइनस, तो फॉर्मूला वही रहेगा हाफ वी प्लस एम माइनस सी हो जाएगा हाफ वी का मतलब जो अकेला पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कार्बन बाद नाइट्रोजन ही आता है सात होता है तो दो था ध्यान चार था तो कितना हो जाएगा फाइव, क्योंकि देखिए इसमें दो से ज्यादा नहीं हो सकता यहाँ पर हो जाएगा फाइव मिलाए तो सात हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसका मतलब आउटर से भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया फाइव, तो फिर प्लस अब देखिए M मोनो एटम O है उसके जगह पे वहां पे देखिए इसमें से कोई है O नहीं है HFCl3RI यह होता तो हम लिख देते जब नहीं है तो क्या लिख देंगे जीरो फिर माइनस इसके ऊपर चार्ज है हाँ माइनस है देखिए माइनस चार्ज दिया है तो माइनस वन कर देंगे अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा हाफ अब देखिए हो जाएगा फाइव यहाँ पे देखिए माइनस को माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा वन तो कितना हो जाएगा देखिए हाफ हो जाएगा सिक्स यानी सिक्स बाई टू कर देंगे तो कितना आ जाएगा थ्री जब थ्री आ जाएगा तो थ्री आ जाएगा थ्री सिग्मा तो क्या कहलाएगा sp2 ऐसे देखिए क्या है CO3 में डबल माइनस है यहाँ पर SO4 पे डबल माइनस है PO4 पे थ्री माइनस है HF4 पे माइनस है ऐसे आप लगाएंगे लग जाएगा।
हाँ एक यहाँ पर थोड़ा जेरॉन कंपाउंड है, XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है, XeOF2 है, तो मैं यह वाला बता दे रहा हूँ, एक यह बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप आगे लगा दीजिएगा लग जाएगा। चलिए देखिएगा, तो मैं जेरॉन वाला बता देता हूँ कौन सा है, इसको बता देता हूँ XeF4। फॉर्मूला वही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ बी प्लस एम माइनस सी, हाफ बी नंबर ऑफ वैलेंस एटम, देखो ये क्या था सेंट्रल वाला ही होता है जो अकेला होगा, एक्स ही अकेला है, तो देखो दिस इज क्या इनर्ट एलिमेंट्स है, यह अकृत तत्व है, अकृत तत्व कौन कौन से होते हैं, हे ना और करीना एक्सरे रंगीन, केवल हीलियम के आउटर सेल में 2 होता है, उसके बाद सभी के आउटर सेल में क्या होता है, सभी के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, आप निकालेंगे तो लास्ट में ये आएगा, हमको तो यहाँ बताना नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आउटर सेल में जो है सबके कितने आएंगे 8 आएंगे, क्योंकि आउटर नियम का ही पालन करते भी हम, हीलियम को बस छोड़ दिया जाए उस ग्रुप में, तो हेना और करीना एक्सरे यही तो है शून्य ग्रुप के एलिमेंट्स। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जेनान है तो जेनान का आउटर सेल में कितना आ जाएगा 8 आएगा, यहाँ कर देंगे 8 प्लस, इनमें से कोई होता तो हीलियम को छोड़कर, हीलियम छोड़ कोई होता तो हम 8 ही कर देते वहां पर, तो 8 हो गया। अब देखिए यम कितना मैंने लिखा है 4, यम कितना लिखा 4, लेकिन यम है ना मोनो एटम, चेक करेंगे क्या है आपका इसमें, यम देखिए यहाँ पर है तो कितना है 4, तो 4 कर देंगे, फिर माइनस इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो क्या हो जाएगा देखिए हाफ 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 यानी 12 हो जाएगा, तो 12 बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा 6, जब 6 आ जाएगा तो यहाँ लिखा है 6 सिग्मा कॉलेज sp3d2 क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा sp3d2, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे लिखने में गलती हो जाती है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कैसे चेक करेंगे कि आपका सही है कि गलत, यहाँ पर देखिए 6 आया था ना, कितना आया था 6, तो इसको भी मेरा जो ऑर्बिटल भी 6 होना चाहिए, ये सही ऑर्बिटल p का 3 कितना हो गया 4 हो गया यानी 4 हो गया, d का कितना 2, देखिए यहाँ पे लिखा ना d2, इसका मतलब बराबर हो गया, 6 बराबर होना चाहिए, इसका मतलब इसमें क्या जाएगा sp3d2। तो लास्ट में आपको एक और बता देता हूं, इसमें जो लिखा है XeOF2, इसमें क्या लिखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर हाफ बी प्लस एम माइनस सी, देखिए हाँ अब इसमें देखिए, अभी तो क्या था कि सभी लोग सिंगल मिल रहे थे तो हम बोल रहे थे कि वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम है वो हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो दो सिंगल आ गए, ये भी एक सेंट्रल हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पता है यह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, सॉरी हाँ नहीं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है क्योंकि गैसेस होते हैं, ठीक है, तो यह क्या होता है जिसके आउटर सेल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे सॉरी 7 हो जाएगा, यह भी कितना होता है 7 होता है, इसके आउटर सेल में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसके 6 हो जाएगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाता है, तो यह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में चला जाएगा, तो हमको क्या करना है, मैंने बोला जो देखो यह है इनर्ट भी है, इनर्ट बोले तो अक्रिय था, जिसके बाहर कोश में कितना था 8 इलेक्ट्रॉन था, तो ये आर्टिक रूल का फॉलो करेगा, इसलिए इसको वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम इसी को मानेंगे, कैसे मानेंगे, जैसे देखिए एक्स कर दिया यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, यह हो जाएगा और यह हो जाएगा, स्ट्रक्चर मैच से होगा, इसका मतलब क्या है, यही तो हो गया अभी जो अभी मैं बोला था कि बारात आएगी तो दूल्हा जो होगा बीच में होगा, उसके अराउंड जो लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, मोनो एटम कहलाएंगे, तो लेकिन हमने मोनो एटम में लिखा है कौन कौन कहलाएगा, HFCl BrI, बस इतने लोग मोनो एटम कहलाएंगे और कोई नहीं कहलाएगा, उसमें वो है नहीं है तो यह मोनो एटम नहीं कहलाएगा, इसका मतलब मोनो एटम नहीं है, तब देखिए कौन हो जाएगा, इसका मतलब एक्स ही तो हो गया आपका भी, तो कितना इनर्ट है, सभी में लिखा था कि 8 आएगा तो 8 हो गया, प्लस देखिए क्या है यम मोनो एटम कौन होगा, यम तो होगा, इसमें चेक कर लेंगे 2 है 2 लिख देंगे, लेकिन यह नहीं है तो 0 ही रहेगा, अब देखिए माइनस उसको लिखना ही नहीं होगा, तो अब देखिए माइनस उस पर चार्ज भी नहीं दिया है तो 0, केवल क्या रहेगा ओ है तो F2 है तो ओ को छोड़ देंगे, केवल F का लिख लेंगे, उसके बाद चार्ज देखेंगे नहीं तो 0, तो कितना है हाफ, अब देखिए 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 10/2 कैंसिल आउट करेंगे तो 5 हो जाएगा क्या sp3d, सबको समझ में आया sp3d। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद जो है बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसा लगा मेरा वीडियो, यदि आपको नहीं भी समझ में आता है या समझ में आ गया है तो आप आगे जो भी डिमांड करेंगे मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।
बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।